हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट हब। तो इस वीडियो में हम बट जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि हमारे कितने तरीके का जॉइंट होता है, बट जॉइंट और लैप जॉइंट। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बट जॉइंट से, ओके, आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये हमारा बट जॉइंट होता क्या है। ठीक है, इन द लैप जॉइंट देयर विल बी सम अमाउंट ऑफ इसेंट्रिसिटी इन द कनेक्शन एंड दैट विल बी जनरेट अ कपल एंड दैट लीड्स टू अर्लियर फेलियर ऑफ कनेक्शन टू रिड्यूस द अफेक्ट ऑफ इसेंट्रिसिटी नंबर ऑफ बोल्ट शुड बी इंक्रीजेज टू इंक्रीज द रिजिडिटी ऑफ द कनेक्शन। ओके, देखिए कि हमारा लैप जॉइंट होता क्या है, कि अगर हमारे पास दो प्लेट्स है, ओके, अगर हमारे पास दो प्लेट्स है इस तरीके से, तो अगर हम उसको ऐसे जोड़ेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बोल्ट प्रोवाइड कर देंगे। ओके, इस तरीके का जो हमारा कनेक्शन होगा, ओके, इसको हम बोलेंगे लैप जॉइंट। लैप जॉइंट, ओके, तो यहां पे यही बोल के रखा। अगर आप देख सकते हैं कि अगर यहां पे मेरा एक फोर्स पी अप्लाई हो रहा है, एक फोर्स हमारा यहां से ये पी अप्लाई हो रहा है, ओके, तो देखिए ये पी और पी, इस फोर्स ऑफ एक्शन, इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो दोनों के बीच का कुछ हमारा सपोज ई है मेरा डिस्टेंस, ओके, तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, एक इस डायरेक्शन में एक मोमेंट क्रिएट करेंगे, ओके, एक हमारा यहाँ पे सॉरी कपल फॉर्म होगा जिसकी जो इंटेंसिटी कितनी होगी, पी अपॉन डिस्टेंस ई, ओके, तो इस कारण से हमारा ये जो जॉइंट होता है ये जल्दी हमारा फेलियर हो जाता है। ठीक है, ये जॉइंट थ्योरी में यही लिखा हुआ है। अगर हमको क्या करना है कि अगर फेलियर को अगर हमको रिड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बोल्ट्स ज़्यादा कर देंगे, ओके, हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बोल्ट्स बढ़ाएंगे, ओके, बोल्ट्स को हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, बोल्ट्स को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। बोल्ट्स बढ़ाने से मेरा क्या होगा कि ये जो रिजिडिटी है ना वो कनेक्शन का, वो रिजिडिटी क्या होगी, इससे बढ़ जाएगी, ओके, तुम्हारा यहीं पे थ्योरी पे लिखा हुआ है। ठीक है, यही हमारा यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है कि अगर हमारा इधर से पी जॉइंट लग जाता है और इधर से पी जॉइंट लगता है तो एक यहाँ पे क्या करेगा, मोमेंट अप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, ये मोमेंट हमें यहाँ से एक इस डायरेक्शन पे हमको क्या मिल जाएगा, मोमेंट मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इस जॉइंट में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ हमारा बोल्ट्स इसमें क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अगर इस तरीके से अगर हमारा एक जॉइंट है जिस, ठीक है, इसमें हमारा एक बोल्ट लगा हुआ है, तो ये मोमेंट के कारण क्या करेगा, ये बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ बोल्ट इसमें बढ़ा देंगे। ओके, तो ये था हमारा लैप जॉइंट। ठीक है, तो ये था हमारा लैप जॉइंट। ठीक है, आइए हम देखते हैं बट जॉइंट क्या होता है हमारा। ओके, ये जो हमारा बट जॉइंट होता है, अगर अगर हमारे पास इस तरीके से हमारे पास दो प्लेट दिया हुआ है, ओके, एक प्लेट ये है और एक प्लेट ऐसी ये है, ठीक है, इसकी थिकनेस T1 है, इसकी थिकनेस T2 है, मान के चल रहे हैं हम कि T1 T2 इसकी थिकनेस है, तो हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक कवर प्लेट लगा देंगे और इसके नीचे भी एक कवर प्लेट लगा देंगे और यहाँ पे हम लोग बोल्ट कनेक्शन कर देंगे और यहाँ पे बोल्ट कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके का जो जॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बट जॉइंट। ओके, बोलते हैं बट जॉइंट जॉइंट। ओके, तो हमारा देखिए यहाँ पे बट जॉइंट होता है। ठीक है, बट जॉइंट में क्या होता है कि हमारा जो, देखिए यहाँ पे लिखा है अफेक्ट ऑफ एसेंट्रिसिटी इज एलिमिनेटेड प्रोवाइडेड द थिकनेस ऑफ कवर प्लेट आर इक्वल। अगर हम दो इक्वल, अगर हम लेंथ का, ठीक है, इक्वल हमारा विड्थ, ये हमारा थिकनेस का दो अगर हम प्लेट प्रोवाइड कर देते हैं तो हमारा जो इसेंट्रिसिटी था
उसकी जो अफेक्ट होता है उसको हम एलिमिनेट कर दे रहे हैं। देखिए वो कैसे हमारा एलिमिनेट हो रहा है। सो अब देखिए यहाँ पे एक फोर्स लगा पी, एक फोर्स यहाँ पे लगा पी, ओके दोनों जगह पे हमको पी पी फोर्स लगा। तो अब देखिए इसका अगर हम लाइन ऑफ एक्शन को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो लाइन ऑफ एक्शन ये होगा, तो यहाँ पे हमारा कोई डिस्टेंस हुआ नहीं, तो ये जो हमको इस डायरेक्शन पे कोई मोमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। इस चीज़ को हटा देते हैं हमें कवर प्लेट के थ्रू लगा के, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बट जॉइंट, ओके। तो ये देखते हैं कि हमारा, देखिए बट जॉइंट में किस तरीके से हमारा फोर्स का ट्रांसमिशन होता है, ओके। देखिए अगर यहाँ पे पी जॉइंट में, अगर ये हमारा कोई एक बट जॉइंट है, अगर हमारा पी फोर्स से दोनों तरफ खींच रहा है, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारा जॉइनिंग जो प्लेट है जिसको हमको जॉइंट करना है उसकी थिकनेस T1 है, एक फर्स्ट कवर प्लेट की थिकनेस T2 है एंड सेकेंड हमारा कवर प्लेट की थिकनेस T3 है, ओके। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, शियरिंग स्ट्रेंथ हम बोल्ट का कैसे फाइंड आउट करेंगे इस केस में, बट जॉइंट के केस में। तो हमारा शियरिंग स्ट्रेंथ हो जाएगा, शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट वो हो जाएगा 2 इंटू एरिया नेट इंटू FUB बाय √3 × 1.25, ओके। ये हमारा यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 2 क्या है, नंबर ऑफ शियर प्लेन, ओके। देखिए यहाँ पे कि हमारा, देखिए जॉइंट ये दो फेल कहाँ कहाँ से कर सकता है, शियर में दो जगह से ये फेल कर सकता है, एक या फेल यहाँ से कर सकता है, एक या फिर यहाँ से कर सकता है, ठीक है। हमारे पास कितने, ये हमारा फेल्योर के जो शियर फेल करेगा 2 प्लेन से, ओके, 2 प्लेन से। इसीलिए इसका जो एरिया में 2 × A net है इंटू FUB जो होता है हमारा वैल्यू, ठीक है, वो है। और आइए बात करते हैं, जब हम बियरिंग स्ट्रेंथ की जब बात करें इस केस में, ओके, तो हमारा बियरिंग स्ट्रेंथ होगा बोल्ट का 2.5 × KBD एंड T1, T2 + T3 मिनिमम FUP बाय 1.25। ये जो लिखा गया है T1, T2 + T3, यहाँ से आप देख सकते हैं T1 क्या है हमारा प्लेट का है, ठीक है, एंड T2 और T3 क्या है मेरा कवर प्लेट का। अगर थिकनेस अगर मेरा प्लेट का और हमारा सम ऑफ कवर प्लेट अगर मिला के दोनों में से जिसका मिनिमम होगा उस वैल्यू को हम इसमें लेंगे, ठीक है। और हमारा FUP जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ था हमारा किसका, प्लेट का, ओके, तो हमारा जो प्लेट का था वो होगा बाय हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कितना हुआ, 1.25। तो ये रिजल्ट हम इसमें से देखते हैं कुछ। क्रिटिकल सेक्शन फॉर मेन प्लेट विल बी आउटर मोस्ट सेक्शन, कि जो हम आगे डिस्कस करेंगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो क्रिटिकल जो सेक्शन हम लेते हैं वो सेक्शन हमारा क्या होता है, जनरली मोस्ट केस में आउटर सेक्शन की ओर लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि आउटर सेक्शन पे जो हमारा स्ट्रेंथ होती है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, क्रिटिकल सेक्शन फॉर कवर प्लेट विल बी इनर, ठीक है, इनर मोस्ट सेक्शन, कि हमारा सबसे जो इनर सेक्शन होगा वो हम लेंगे कवर प्लेट के लिए। थर्ड हमारा है, क्रिटिकल सेक्शंस आर डिफाइंड ऑन 100% इंटेंसिटी ऑफ द अप्लाइड लोड, कि हमारा जो लोड होगा कि सबसे ज़्यादा लोड हमारा कहाँ पे होगा, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, लेफ्ट जॉइंट पे ये क्रिटिकल सेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखिए हॉट रोल्ड सेक्शन सो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ माइल्ड स्टील टेंसाइल कवर, ठीक है, कर्व, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके, थैंक यू।